राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, घर में धन आते ही खर्च हो जाता है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन पान के पत्ते का एक ऐसा उपाय जिसे करने से आपके घर में धन ठहरने लगेगा। बंधुओं, ये एक बहुत ही अचूक उपाय है, आप इसे करके अवश्य देखें, देखना कैसे आपके घर में धन का स्थायी वास होने लगेगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन बिगड़ी हुई किस्मत चमकाने के लिए यदि कुछ उपाय किए जाएं तो वे जरूर फलीभूत होते हैं। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी पाप कर्म का नाश करने वाली मानी गई है। इस दिन यदि मनुष्य विधि विधान से व्रत और पूजा करे तो उसका भाग्य उदय होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा का फल पूर्वजों को प्राप्त होता है, इसलिए इस एकादशी के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, इसी कारण इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी जो कि 14 दिसंबर मंगलवार की है, इस दिन यदि आप इन कुछ उपायों को करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जी स्थिर रूप में वास करेंगी। जो आपके रुपए घर में आते साथ ही खर्च हो जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता कि कब आए और कब खत्म हो गए। तो यदि आप इस दिन इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में धन स्थायी रूप में वास करने लगेगा। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें, शाम के समय तुलसी की पूजा करें और 11 परिक्रमा करें। मोक्षदा एकादशी के दिन राधा कृष्ण को पीली माला अवश्य अर्पित करें, अर्थात पीले फूलों की माला पहनाएं। बंधुओं, यदि आप मोक्षदा एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपका भाग्य चमकने लगेगा। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करने के बाद राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं, उन्हें गेंदे के फूल की माला अर्पित करें। ऐसा करने से धन संबंधी सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। बंधुओं, यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है तो मोक्षदा एकादशी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका अवश्य लगाएं। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केले के 2 पौधे अपने घर में लगाएं। इसके बाद इस केले की नियमित रूप से पूजा करें और इसका फल दान कर दें, स्वयं ग्रहण ना करें। बंधुओं, यदि आपके घर धन आते ही खर्च हो जाता है तो आपको मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इस पान के पत्ते पर पहले रोली से श्री लिख दें और फिर भगवान को अर्पित करें। पूजा के बाद इस पत्ते को लेकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें, देखना आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग अवश्य हों और इससे आपकी मन की हर आस पूर्ण होगी।
यदि आपकी किस्मत सोई हुई है तो उसे जगाने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस उपाय से आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, कपड़े व अनाज अर्पित करें। इसके बाद ये सभी गरीबों को दान कर दें। ऐसा करने से आपकी किस्मत जाग जाएगी। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। खीर में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति और आपस में भाईचारा बना रहता है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 परिक्रमा करें। ये उपाय आपके घर में सौभाग्य लेकर आता है। बंधुओं, यदि आप मोक्षदा एकादशी के दिन इन उपायों को करते हैं तो देखना कैसे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा और घर में बरकत होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।